स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट इन्वेस्टर्स पर। दो नई क्रिप्टो लॉन्च हुई हैं, जिनमें से एक मीम टोकन है तो दूसरी बेस्ट प्रोजेक्ट के साथ में है। और ये बेस्ट प्रोजेक्ट भी कैसा है कि दुनिया की नंबर वन कंपनी गूगल को टक्कर दे सकता है अगर ये ध्यान दे तो। साथ ही साथ एक क्रिप्टो ऐसी है जो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और ट्रेडिंग के लिए बेहतर है। लॉन्ग टर्म में लेंगे तब भी प्रॉफिट देगी, शॉर्ट टर्म में लेंगे तब भी प्रॉफिट देगी और ट्रेडिंग के हिसाब से देखेंगे तब भी प्रॉफिट देगी। तीन क्रिप्टो हैं जिन पर आपको पैनी नज़र बनाए रखनी है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक के यहाँ पे मजाकिया तौर पे मैंने आप भी बाइनेंस पे ये देखा था कि 2020 के जो हाविंग थी उसके बाद मार्केट ऐसा हो गया था, मतलब रियल में उसमें पंप आया था। और 2024 की जो हाविंग है उसमें इस बार कार्टून वाला यहाँ पे हाविंग है, कार्टून वाला बुलरन है। तो ऐसा किसे किसे लगता है, डू यू एग्री, ऐसा किसे किसे लगता है वो प्लीज़ कमेंट्स जरूर करें। अच्छा बुरा जैसा भी आपको लगता है, मतलब आपको लगता है कि मार्केट दोबारा से ऐसे जाएगी तो भी कमेंट करें, मार्केट दोबारा से नहीं जा रही है तो भी कमेंट करें, तो प्लीज़ थोड़ा सा कीजिएगा। एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे है कि कई लोग ये कह रहे हैं, मैं भी कहता हूँ, कई लोग नहीं मैं भी कहता हूँ कि बिटकॉइन अगर पिछली बार की तरह गया तो 1.5 लाख और 2 लाख डॉलर तक पहुँच जाएगा। लेकिन मुझे एक छोटी सी चीज़ समझ नहीं आ रही कि जो लोग अब से 6 महीने बाद उसे 1.5 लाख और 2 लाख डॉलर का खरीदेंगे, क्या अभी वो उसे 66,000 डॉलर में नहीं खरीद सकते? बस इस सवाल का जवाब आप मुझे जरूर दीजिएगा। ये दो तो थे सवाल आपसे। अब चलते हैं, सबसे पहले हमने क्या लिखा है, दो नई क्रिप्टो लॉन्च हुई हैं उनके बारे में बात करनी है। तो पहली क्रिप्टो तो है बेस हीरोज, ये सोलाना पे लॉन्च हुई है और सोलाना पे लॉन्च हुई है तो आपको पता ही है कि रेडियम एक्सचेंज पे मिलेगी। बेस हीरो इसका नाम है, 327% का पंप दिया है, सप्लाई अच्छी खासी है, सोलाना ब्लॉकचेन पे है, मीम टोकन है, ठीक है जी, मीम टोकन है, सोलाना ब्लॉकचेन पे है, रेडियम एक्सचेंज पे मिलेगा। कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कि इस क्या प्रोजेक्ट है क्या नहीं, रेडियम मेटोरा, ठीक है, मेटोरा, इन दो एक्सचेंजों पे आपको मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे गैलेक्सी फाई। तो ये गैलेक्सी फाई क्या है, देखिए 460% पंप है, इथेरियम पे बना हुआ है। ये क्या है, जिस तरह से हमारा क्रोम ब्राउजर है, क्रोम ब्राउजर को आप सभी जानते होंगे, जो भी आप गूगल पे सर्च करते हैं मैक्सिमम लोग क्रोम को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब क्रोम को टक्कर देने वेब 3 का यहाँ पे ये ब्राउज़र आया है। और ये ब्राउज़र क्या कहता है कि जो आपके नॉर्मल पुराने ब्राउज़र चल रहे हैं उनसे ये सिक्योर है, ट्रांसपेरेंट है और एम्पावर ऑनलाइन वर्ल्ड, ये तो खैर कोई बात नहीं, तो डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, सिक्योर ज़्यादा है, ट्रांसपेरेंट भी है। और अगर ये इस काम को करने में आगे रहे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त काम कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर इनकी ऐप भी आ चुके हैं, काफ़ी बड़े हिसाब से आके लेके चले हैं ये। यहीं पे अगर आप देखेंगे तो मिशन इनके अलग अलग इन्होंने दिए हैं, अलग अलग मिशन को, अलग अलग मतलब जो फेस होते हैं इन्होंने अलग अलग उन्हें मिशन के नाम से दिया है। जैसे जितने भी हमारे ग्रह होते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से इन्होंने ये दिया है और काफ़ी अच्छा ये यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखिए प्राइस कम है, सप्लाई भी कम है, प्राइस कम है, सप्लाई भी कम है, 10 करोड़ की सप्लाई सारी ही है इसमें और प्राइस बहुत कम है, प्राइस बहुत कम है। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि 10-20 डॉलर का ले लेना चाहिए। ये कहाँ पे मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको यूनिसेफ V2 इथेरियम पे। कुछ लोगों का कहना ये रहेगा कि यहाँ पे फीस बहुत लगती है, देखिए फीस तो लगती ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपके पास, मेरे पास या किसी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो फीस हमें लगानी पड़ेगी। अब 10 डॉलर पे माला आपकी 4 डॉलर 3 डॉलर फीस लग भी जाती है, तो 10 डॉलर का अगर आपका 100 200 300 डॉलर हो जाता है कभी आने वाले टाइम पे, तो उस 3 डॉलर को मत देखिएगा। अब उस कॉइन के बारे में बात करते हैं जो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए भी अच्छा है, ये है IO.NET। सप्लाई कम है, अच्छा प्रोजेक्ट है, सप्लाई कम है, अच्छा प्रोजेक्ट है, ठीक है, लॉन्ग टर्म में भी ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म में भी प्रॉफिट दे रहा है। और यहाँ पे पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर आप ये देखिएगा 6.21 यहाँ पे आ जाइए, 5.48 लगभग लगभग 0.75 डॉलर का पंप डंप है यहाँ पे, 83 यहाँ पे दोबारा से ये
0.25। तो इसमें आपको यहाँ पे अगर आप इसके 50 टोकन लेके या 100 टोकन लेके अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से चलना, मेरे कहने के हिसाब से ऐसा मत करना कि उधार लेके आप इसके 100 टोकन ले लें, 550 डॉलर के आएंगे, ठीक है। तो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से चलना। तो मैं यहाँ पे मोटा मोटा से तौर पे ये कहता हूँ कि अगर आप 100 टोकन लेके इसका यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको हर ट्रेडिंग पे लगभग हर 2 से 3 घंटे में 25 से 30 डॉलर ये दे रहा है, मतलब हर 3 घंटे में 25 से 30 डॉलर दे रहा है, इतनी अच्छी इसमें ट्रेडिंग हो रही है। अब तीन कॉइन कौन कौन से हैं, क्रिप्टो कौन कौन सी हैं जिसपे आपको ध्यान रखना है। पहला है ओडी, जितना नीचे जाए जाने दीजिए, जितना नीचे जाए ग्रैब कीजिए, अभी कोशिश कीजिए कि एक दो दिन और ना छेड़ा जाए, ठीक है। बिटेंसर 299 पे आ चुका है, 727 से घट के 757 इवन 757 शायद, हाँ 757 से घट के बाइनेंस पे जब से गया है नीचे ही आ रहा है। एक विद रिस्क पप्स ऑर्डिनल्स पहले आपको $5 पे बताया था, $95 तक होकर आया है, और नीचे जाने दीजिए, $4-5 के आसपास आप मिले तो वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। अब जाते जाते एक टोकन और यहाँ पे आज जो ट्रेंडिंग में है, अनडेड गेम्स। तो यहाँ पे एक तो सप्लाई देखिए, सप्लाई बहुत ज़्यादा नहीं है, प्राइस भी ठीक ठाक है, और वॉल्यूम अगर हम यहाँ पे देखें तो वॉल्यूम चलिए एक एवरेज वॉल्यूम है इसका, और यहीं पे अगर आप इसे देखेंगे तो ये पंप डंप की सिचुएशन में आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे मैंने इसका एक महीने का चार्ट निकाल लिया है, यहाँ पे जाइए, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, तो ये भी ट्रेडिंग करवाते हुए ही आगे बढ़ रहा है, पंप डंप की सिचुएशन में आगे बढ़ रहा है ये। इसे अगर आप लेना चाहते तो मिलेगा कहाँ से, Gate.io MEXC एक्सचेंज पे ये अवेलेबल है, पिछले 16 दिन में 419%, यानी कि अपने लो से इसने 29 मई को लो लगाया था, वहाँ से अभी तक के 419% का रिटर्न दे चुका है। तो यहाँ तक वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और हमने आपको ये जो ऐप दी है, ठीक है, इसे प्लीज़ आप डाउनलोड कीजिएगा, डाउनलोड कीजिए, यूज़ कीजिए, आपके फ़ोन की बैटरी, डाटा और स्पेस तीनों बचाएगा, फ़ोन स्मूथ चलेगा, गर्म नहीं होगा, सिर्फ 7 MB की ऐप है और आपके बहुत काम साध सकती है। एक बार देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इस ऐप के अंदर क्या क्या है। प्लीज़ एक बार डाउनलोड कीजिएगा, यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।